हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन, जो कि आप सभी को पता है कि दिवाली पर रिलीज होने वाली और बॉक्स ऑफिस को पूरे तरीके से ब्लास्ट करने वाली है, थिएटर्स को स्टेडियम में बदलने वाली। और यहाँ पर इस मूवी को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स निकल कर आएंगे। यस, यानी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बाइस ऑफ सिंघम अगेन मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो सभी एक साथ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन मूवी को लेकर जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके ऊपर मैंने एक रोस्ट वाली वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर आप भाइयों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और वो वीडियो एक्स के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। तो यहाँ पर अगर बात करें सिंघम अगेन मूवी को लेकर क्या एक्सक्लूसिव अपडेट्स निकल कर आएंगे, तो आप सभी को जो मैं अपडेट्स देने वाला हूँ ये अपडेट्स मैंने आप सभी को ऑलरेडी 5-6 मंथ पहले दे दी थी, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने ये अपडेट्स नहीं देखी, तो इसलिए मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब रोहित शेट्टी सर का। इस टाइम एक्स के ऊपर एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भाई साहब सिंघम अगेन मूवी को लेकर काफी ज्यादा अपडेट्स दिए हैं और उन अपडेट्स में भाई साहब जो सबसे मेजर अपडेट है वो ये है कि यहां पर सिंघम और सिंघम रिटर्न में जो आप सभी ने अजय देवगन सर को भाई साहब एंग्री मोड में देखा है, जिस तरीके से अजय देवगन सर ने एक्शन सीक्वेंस किए हैं और यहां पर सिंघम अगेन मूवी में भाई साहब अजय देवगन सर का एक डिफरेंट लुक और एक डिफरेंट अवतार हमें देखने को मिल सकता है। यस, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर भाई साहब जो बाजीराव सिंघम है वो हमें कुछ डिफरेंट स्टाइल में नजर आ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और तगड़ी अपडेट है। और उसके साथ साथ यहां पर इस मूवी के स्क्रिप्ट को भी लेकर मैंने आप सभी को बोला था कि सिंघम अगेन मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। यस, यानी कि यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोहित शेट्टी को स्क्रिप्ट लिखने का नहीं पता, वो रिमेक मूवी बनाता है। आप सभी को पता है कि सिंघम जो आई थी वो भी रिमेक थी, सिम्बा भी रिमेक थी। तो यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोहित शेट्टी सर को स्क्रिप्ट लिखने का नहीं पता, जिसके बाद अब सिंघम अगेन मूवी डिजास्टर हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो भाई साहब आपकी बार ये बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और जो सूर्यवंशी मूवी आई थी वो किसी भी मूवी का रिमेक नहीं थी, वो एक ओरिजिनल मूवी थी, ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। तो यहां पर उस बंदे ने बोला है कि सूर्यवंशी मूवी से 10 टाइम बेटर स्टोरी होने वाली है सिंघम अगेन की। और भाई साहब इस मूवी की स्टोरी का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। और आप सभी को पता है कि स्टोरी को लेकर मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि इस मूवी का स्टोरी का जो प्लॉट होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि स्टोरी बड़ी है तो इतने ज्यादा कैमियोज ऐड किए गए, यानी कि यहाँ पर भाई साहब स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी में रोहित शेट्टी सर ने कैमियोज ऐड किए। और उसके साथ साथ जो लोग कह रहे हैं ना कि रोहित शेट्टी सर को स्क्रिप्ट लिखने नहीं आती, तो भाई साहब आपकी बार ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है सिंघम अगेन मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर। और उस बंदे ने बोला है कि सूर्यवंशी मूवी से भी 10 टाइम इस मूवी की स्टोरी होने वाली। और भाई साहब पर्सनली मुझे यही चाहिए था, इसी बात का मैं वेट कर रहा था कि इस तरीके की कोई अपडेट निकल कर आए ऑफिशियली, और फाइनली वो ऑफिशियल हो चुकी है, जो कि मैंने आप सभी को 4 या 5 मंथ पहले अपडेट दी थी। और यहां पर बहुत सारे भाई मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और उन्होंने देखी होंगी, और भाई साहब अब वो कहेंगे कि इस बंदे ने सही अपडेट दी थी। तो यहां पर आने वाले समय में भाई साहब इस मूवी का प्रॉपर तरीके से जो प्रमोशन है वो भी स्टार्ट होने वाला है, और इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है वो भाई साहब नेवर सीन बिफोर वाले। यस, यानी कि यहां पर कुछ लोगों ने भाई साहब इस मूवी से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा कम लगाई हुई है, क्योंकि वो अजय देवगन सर के हेटर हैं और वो इस मूवी की नेगेटिविटी करने वाले। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने इस मूवी से एक्सपेक्टेशन हाई लेवल पर लगाई है ना भाई साहब, ये जो मूवी है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो एक्शन का स्केल है, इस मूवी का स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और पर्सनली इस मूवी का एक दो ग्लिम्स मैंने देखा है, यस, यानी कि शूटिंग का ही देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। और भाई साहब उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि ये मूवी थिएटर्स को आरआईपी कर देगी इस दिवाली पर, चाहे ये मूवी क्लैश में आए चाहे ये मूवी सोलो आए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सिंघम अगेन मूवी को लेकर काफी ज्यादा तगड़ी अपडेट्स है। और भाई साहब इस मूवी के अंदर जो आपको देखने को मिलने वाला है ना वो आज तक आपने नहीं देखा होगा, तो यहां पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है सिंघम अगेन मूवी के लिए।